हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन रुद्रिका क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और स्टार्टिंग में हम इसको कैसे समझेंगे, सेल या ऑर्बिट क्या होता है और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे। मेन यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम वर्ड का मतलब समझें तो यही होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दियर ऑर्बिट्स, यानी सबसे पहला वर्ड ही जो आ रहा है वो ऑर्बिट का है कि ऑर्बिट क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। बेसिक हमारे पास एटम का कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो इस तरह से सेंटर में होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो विदाउट चार्ज होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, यानी अब ये आपको पता है कि एटम के अंदर थ्री बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो न्यूक्लियस के बाहर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ पे होगा। तो होता क्या, ये सबसे पहले तो ये माना जाता था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ वो इस तरह से घिरे हुए होते हैं। बाद में ये समझ में आया कि नहीं, हर तरफ नहीं होता है, कोई एक फिक्स पाथ होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो भी वो जो पाथ है, जिस पाथ पे वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसी पाथ को कहते हैं ऑर्बिट्स। तो ये एक पहला ऑर्बिट हो गया, ठीक है ना। उसी तरह कई और भी ऑर्बिट हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, दूसरा ऑर्बिट हो गया, ठीक है ना। इसी तरह एक तीसरा ऑर्बिट हो गया। तो ये ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट मीन्स हो गया पाथ, यानी वो ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन है और रिवॉल्व कर रहा है, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और इसको आप क्या कह रहे हो, इसको कह रहे हो ऑर्बिट। अब ऑर्बिट भी कह सकते हो और सेल भी कह सकते हो, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। यानी जो थ्री फंडामेंटल पार्टिकल थे उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपका कहां पे है, न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन कहां पे है, बाहर है, ठीक है। अब यदि हम देखें हम इनको क्या कहते हैं, पहले ऑर्बिट को हम कह सकते हैं कि फर्स्ट है, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, ऐसा आप बोल सकते हो। तो आप ये यहां पर लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है या फोर हो सकता है, और भी कई शो ऑन हो सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि इनका नेम क्या होता है, तो नेम ऑफ ऑर्बिट, इसी बेस पे इनका नेम दिया गया। पहले ऑर्बिट को क्या कहते हैं, जनरली के कहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का नेम क्या है, के। दूसरे ऑर्बिट का नेम क्या है, एल। तीसरे का यम, चौथे का यन, और इसी तरह और भी आगे, ठीक है ना। तो आपने देखा कि जो ऑर्बिट होते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से होते हैं, जो उनका नेम होता है KLMN होता है। अब बारी ये आती है कि हम इलेक्ट्रॉन को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन यदि डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक ऑर्बिट हमारे पास, यानी एक सेल है, एक ऐसा पाथ, ऐसी जगह है जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो हम सभी इलेक्ट्रॉन इसी में भर देते हैं, हमें दूसरे तीसरे की जरूरत क्यों पड़ी। तो दूसरे तीसरे ऑर्बिट की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि सभी की कुछ लिमिटेशन है, यानी पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन हम एक ही में ऐड नहीं कर सकते हैं, उसकी कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी है कि उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें हो सकते हैं। तो अब पहले ऑर्बिट की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, दूसरे ऑर्बिट की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं 2n², ठीक है ना। यहां पे n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी यदि नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू हम यहां पे पुट करते जाएं और तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। तो यदि हम बात करें n के लिए, यदि मान लीजिए जो आपका ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 2 और 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर, क्योंकि n की जगह हमने 1 रख दिया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, सो 2 × 1 = 2, यानी आप ये लिख सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट कितना हो गया, 2, ठीक है ना। यानी फर्स्ट ऑर्बिट मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं सेकंड की, जब आप सेकंड का करोगे तो 2 और 2 का होल स्क्वायर। अब ये 2 कहां से आया, क्योंकि n इज इक्वल टू, आपने अभी 2 रखा, n की वैल्यू 2 है। तो अब आप क्या करोगे, 2 × 2, 2 का क्या होता है, 2 स्क्वायर का 4 होता है, 4 × 2 = 8, यानी सेकंड ऑर्बिट की जो कैपेसिटी आपके पास है वो 8 है। अब बात करते हैं थर्ड ऑर्बिट की, 2, फिर यहां पे 3 ले लेंगे, 3 कहां से आया, क्योंकि n की वैल्यू आप इस समय 3 ले रहे हो, 2 और 3 3 = 9, सो 2 × 9 = 18,
ठीक है। इसी तरह यदि 4 ऑर्बिट का आप करोगे तो 2 ऑफ 4 का होल स्क्वायर 2 इंटू 4 जा 16, सो 16 टू जा 32, ठीक है ना, एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे ही। अब देखो आपके पास पहला ऑर्बिट था, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, चौथा ऑर्बिट था, उनके नेम थे KLMN, ठीक है ना। अब उनका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, तो उनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो कितना सकता है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें यह पता चल गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। अब जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपने लिया मैग्नीशियम, एक आपके पास एलिमेंट है, और आपको पता है मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है, और यह भी आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जितना उसके अंदर एटॉमिक नंबर है सेम उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है और उतना ही प्रोटॉन भी होता है। तो जैसे मैग्नीशियम का यदि आप यहां पे स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे ये आपने बना दिया मैग्नीशियम, तो अब ये मैग्नीशियम तो है, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इसके अंदर कितना है 12, ठीक है ना। अब हमें प्रोटॉन का कंफर्म हो गया प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन भी 12 होता है, वो हम अभी बाद में निकाल लेंगे कैसे ये होता है। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पाथ में या कौन से ऑर्बिट में कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला ऑर्बिट बनाएंगे। अब सोचो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, और सेल हमारे पास है KLMN, कई सेल हैं। अब देखते हैं, अब डिस्ट्रीब्यूट करो, पहले में हम कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की है, टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने 12, और मैक्सिमम कैपेसिटी फर्स्ट सेल की 2, तो पहले में कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे 2, अब आपके पास बचा कितना 10, और दूसरे की कैपेसिटी कितनी है 8, सो आप दूसरे में कितना ऐड कर दोगे, एल वाले सेल में 8 कर दोगे, अब तीसरे में 2 8 10 आपको कंप्लीट हो गया, कितना बचा 2, तीसरे की कैपेसिटी 18 है, लेकिन हमारे पास जो बचेगा हम उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हम इसमें नहीं रख सकते क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 होती है और 8 आपने फिल कर दिया। तो जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया वो क्या हो गया 2 8 2 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह जैसे मान लीजिए आपने लिया एल्युमिनियम, अब एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे, अब देखो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 13, अब इसके अंदर प्रोटॉन भी 13 होगा, अब सबसे पहले कैपेसिटी कितनी होती है 2, तो आपने पहले में कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया 2, बचा कितना आपके पास अभी 11 बचा, दूसरे की कैपेसिटी 8, आपने 8 इसमें कर दिया, अब 10 आपके यूज हो गए, 3 बचा, इसकी कैपेसिटी 18 है लेकिन आपके पास 3 बचा, तो आपने 3 लिख दिया, ठीक है ना। इसी तरह जैसे मान लीजिए आपने सिलिकॉन लिया, अब सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना 14, तो पहले में कितना 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आपने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना मींस ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 फंडामेंटल पार्टिकल में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है बाहर होता है, कहाँ होता है ऑर्बिट या पाथ में होता है, जो ऑर्बिट होते हैं कई होते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, इस तरह से कई ऑर्बिट होते हैं। जो पहला जो भी इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करेंगे तो सबसे पहले पहले ही ऑर्बिट में फिल करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, इलेक्ट्रॉन हमेशा लो एनर्जी लेवल से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा, फिर इस वाले में जाएगा, फिर इसमें करते हुए सबकी मैक्सिमम कैपेसिटी आपने फाइंड कर ली, ठीक है। अब एक बार और अच्छे से देख लेते हैं एग्जांपल लेकर के कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी 3 आपने देखा सोडियम का, अभी नहीं देखा मैग्नीशियम और एल्युमिनियम आपने कर लिया, हम मानते हैं सोडियम, ऐसे मान लीजिए सोडियम, सोडियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो एटॉमिक नंबर होता है 11, 11 मींस हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 11 है, सबसे पहले वाले सेल में कितना होगा 2, दूसरे वाले सेल में कितना होगा 8, और तीसरे वाले में होगा 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 2 8 1। अब इसका जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है ना, जैसे यहीं पे है तो ये आप यहाँ से हटा देंगे। अब देखो प्रोटॉन इसमें कितने हो गए, क्योंकि ये सोडियम है तो प्रोटॉन इसमें होते हैं 11, और न्यूट्रॉन कितना होता है 12 होता है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन निकालने का आपको पता होगा मास नंबर, यानी जो उसका एटॉमिक मास होता है उससे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दीजिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है, तो यहाँ आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 1 एंड 2, दूसरे में कितना 8, तो आप इस तरह से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो, 4 इस तरह से हो गया, 5 6
सेवन और एट कंप्लीट हो गया, अब लास्ट वाले में वन है तो आपने वन कर दिया, ठीक है ना। अब देखो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये क्या है, सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप कहीं भी सोडियम भी लिख सकते हैं कि ये सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है इस तरह से। अब मान लीजिए आपने किया फॉस्फोरस, अब फॉस्फोरस का होता है 15, तो देखो पहले में 2 फिर 8, 10 कंप्लीट हो गया, तीसरे में 5, इसकी कैपेसिटी 18 होती है लेकिन क्योंकि लास्ट में जो बचा वो आपने रख दिया। फिर जैसे मान लीजिए आपने लिया फॉस्फोरस हो गया, सल्फर आपने लिया 16 होता है, 2, 8, 10 हो गया, लास्ट में 6 आ गया। यदि आपने क्लोरीन का लिया एटॉमिक नंबर 17 होता है तो 2, 8, 7 इस तरह से होता है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए आपने आर्गन लिया 18, आर्गन का 18 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2 होगा क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी लास्ट वाले की 18 है लेकिन यहाँ पे जो भी हमें मिला हमने रख दिया। अब बात यहाँ पे ये आती है, यदि मान लीजिए आपको मिला पोटेशियम यानी 19, अब यहाँ देखो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बहुत बेसिक है, ये आपके 9th 10th तक ही चलेगा और 20 एलिमेंट तक ही ये है, उसके बाद आप जो है न्यू एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे उसके सबसेल के अकॉर्डिंग। तो अभी ऐसे 19 है तो आप 2 करोगे, 8 करोगे और 8, अब इसकी कैपेसिटी तो है 18 तो यहाँ कितना बच रहा है, 10 हो गया, यहाँ 9 हम कर सकते हैं लेकिन हम 9 नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 1 कर देंगे क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते। तो आपने कितना कर दिया 8 और इसमें कर दिया 1। फिर उसका यदि आ रहा कैल्शियम 20 तो इसमें होता है 2, 8, 8, 2। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा यदि कंफ्यूजन हो रही थी इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट होता क्या है कि 2, 8, 8 इसमें 9 हो सकता है लेकिन 9 आउटर मोस्ट पे कभी नहीं होता, इसलिए आपको क्या करना है जस्ट एक अगली सेल में जंप कर जाना है। और इसी तरह 20 का 2, 8, 8, 2 होता है। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इस तरह से आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उनके ऑर्बिट में कैसे हुआ है। थैंक यू।